हेलो एवरीवन, CAPF 2022 का एग्ज़ाम एक महीने के बाद हेल्ड होने वाला है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, पीपल डू नॉट सी योर हार्डवर्क, दे सी योर रिजल्ट। या अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो आपकी वाहवाही होती है या फिर आपकी शाबाशी आपको देते हैं लोग। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है, भले आपने इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी आवर्स यू पुट इन डूइंग हार्डवर्क, दैट डज नॉट मैटर, लोग ध्यान नहीं देते। भले लोग ध्यान दें ना दें, आप मेहनत तगड़ी करिए, एग्ज़ाम निकलेगा आपका। कुछ रिवीजन के टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे मदद मिली, जिनसे CDS एग्ज़ाम क्लियर करने में और CAPF में भी कुछ मार्क्स मेरे को एक्स्ट्रा मिले थे रिवीजन पे, इन चीज़ों से तो मैं आपको साझा करता हूँ आपसे। सबसे पहला ये है कि मेन NCERTs हैं, आप GCLM उठाने लग जाएंगे जियोग्राफी के लिए, आप कहेंगे इकोनॉमिक्स के लिए इससे नहीं हो रहा, रमन उठाता हूँ, ऐसा नहीं है। बेसिक NCERTs क्लियर करिए पहले। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना जो वन लाइनर्स होते हैं, जैसे कि जिनमें ऑप्शंस भी ABCD होता है, ये नहीं कि 1, 2, 1, 2 and 3, 1 only, only 4। इससे क्या होता है, आप हड़बड़ा जाते हैं और नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके। इसीलिए एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज़ इस पर करना है, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे बार बार। सिर्फ अगर आप साइकिल चलाने का वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे तो साइकिल चलाना सीख नहीं सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, यानी कि अगस्त में जो आपका 6th-7th अगस्त को एग्ज़ाम है, उससे पहले ही डेली दिशा 10,000 वाली बुक से क्वेश्चंस लगाइए। जो भी आप रिवाइज़ कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस लगाइए, और अगर गलत हो रहे हैं दोबारा रिवाइज़ करिए, फिर क्वेश्चन लगाइए। ऐसे ही आपका गैस वर्क अच्छा बनेगा, एलिमिनेशन टेक्निक आपको आएगी। आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक बुक ही है, दिशा 10,000 MCQ, उसके अलावा कोई बुक नहीं मिलेगी। आप में से काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि कौन से प्रैक्टिस सेट आपको लगाना चाहिए, एग्जाम पास आ रहा है, सबसे बढ़िया प्रैक्टिस सेट वही बुक है। उस बुक में 10,000+ क्वेश्चन हैं, उतना अगर आप लगा लेंगे तो आप बहुत अच्छे ज्ञानी हो जाएंगे इन चीज़ों के। तो नंबर वन ये है कि आपको NCERTs बेस्ट अपनी तैयारी करके जानी है बेस्ट वे पे। उसके बाद NCERT 6th से लेकर 10th तक का सब इंपॉर्टेंट है। 6th से भी हमेशा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, जो आप प्लैनेट्स वाले क्वेश्चन देख रहे हैं वो ज्योग्राफी या फिजिक्स से आते हैं, 6th क्लास के हैं वो, आप इग्नोर करते हैं और वो बेसिक क्वेश्चन छूट जाते हैं आपसे। ऐसे ही बायोलॉजी के भी 6th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से आते ही हमेशा हैं। CDS, NDA, CAPF कोई भी आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 6th क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 6th to 10th। उसके अलावा मेन फोकस 9th-10th पे होना चाहिए, और जो भी पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन लगाओ। दूसरा, जो 1, 2 and 3, 1 and 2 ये वाले ऑप्शंस होते हैं, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक सीखनी है, वो आप तभी सीख पाएंगे जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपको ये देखना है कि UPSC रिपीटेड टॉपिक्स पूछती है, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछती है, काफ़ी चुनिंदा टॉपिक्स है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, आप मेरे वीडियो सेक्शंस पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में देखेंगे मैंने फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सब की पहले से वीडियोस बना रखी है। उस पर मैंने बता रखा है कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो UPSC बार बार क्वेश्चन पूछती है। जैसे फिजिक्स है, उसमें मोशन से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है हर बार, लेंस, मिरर्स, इनसे पूछना ही पूछना है। उसके अलावा बायोलॉजी में ग्लूकोज से क्वेश्चन आता ही आता है, बायोलॉजी में वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है, ह्यूमन ब्रेन से क्वेश्चन आता है काफ़ी बार। तो आप ये देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो पढ़िए, उसके क्वेश्चन लगाइए। न्यूज़ में जो है वो पढ़िए, उसके क्वेश्चंस लगाइए। ऐसे ही पॉलिटी में अगर आप देखते हैं तो पॉलिटी में आजकल प्रेसिडेंट न्यूज़ में, चीफ मिनिस्टर न्यूज़ में, जजेस न्यूज़ में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ में, तो ये टॉपिक तो आपके कंठस्थ होने चाहिए एकदम, आपको कोई पूछ दे और आपको आंसर पता होना चाहिए। इसीलिए प्रेसिडेंट जैसे अच्छे से पढ़ लेना इस बार इंपॉर्टेंट, ऐसे ही जज काफ़ी अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो अच्छे से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके रिट्स, रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है उसकी पावर, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों में डिफरेंस क्या है, पांचों रेट में डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट मैंडेमस क्यू वारंटो है, क्योंकि इनसे बहुत बार क्वेश्चंस पहले से पूछ चुका है UPSC, इसीलिए पॉलिटी में इस पे ध्यान देना। जो चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ये है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। अब आपको किस किस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, NDA के, NDA ये मत सोचिए आपके छोटे बच्चों वाला है, NDA से भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, NDA, CDS, CAPF, CISF, LDCE, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इन 4-5 क्वेश्चन पेपर को अगर आप डेली करते हैं तो आपका एक मेंटल स्टैंडर्ड बन जाता है क्वेश्चंस को लेके, और उस तरीके के क्वेश्चन UPSC में काफ़ी पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन दिस CAPF एग्जाम इज मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। सबसे बढ़िया सोर्स है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप देखिए कहाँ से पूछ रहा है, कौन कौन से एरिया, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंचुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये एरिया है जहाँ से हमेशा पूछता है। इसके अलावा इनको आप करिए, फिर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर इसका क्लियर कर लीजिए। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने आज तक पूछ रखे हैं, प्रीवियसली जितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं सब बनाइए, उसके वैसे ही क्वेश्चन और भी हैं तो और जगह से भी बना लीजिए। साइंस के लिए NCERT, दिशा, NCERT 6 से लेकर 10 तक का, और दिशा। इसके अलावा ज्योग्राफी में 6 से लेकर 12 तक का इंपॉर्टेंट है, 11th की ज्योग्राफी की बुक,
उसके साथ साथ दिशा 10,000 क्वेश्चन वाली बुक, हिस्ट्री के लिए थीम्स, थीम्स की तीनों बुक्स, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस देख लीजिए कहाँ कहाँ थीम से पूछ रखे हैं, 2018 के बाद आज तक का थीम से ही पूछ रहा है, थीम्स प्लस स्पेक्ट्रम। इसके लिए दिशा में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इनको ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी के लिए पॉलिटी क्लास 8th, क्लास 11th एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके बाद लक्ष्मीकांत, और उसके बाद दिशा 10,000 वाली बुक। करंट अफेयर्स के लिए 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं, आपकी चॉइस है कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने पढ़े दिशा करंट अफेयर, क्वार्टरली करंट अफेयर्स की बुक आती है, दो आती हैं, 6 महीने की उतना कर लीजिए। एग्जाम से 1 महीने का पहले का नहीं पढ़ना है, अगर आपका एग्जाम अगस्त में है तो जुलाई का नहीं पढ़ना है, जून तक का पढ़ना है, जनवरी टू जून पढ़ लीजिए और उसके क्वेश्चन लगा लीजिए, उसी के पीछे रहते हैं उस बुक में। इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 12th मैंने पढ़ी थी बस, आप भी आपका मन मैंने 12th तक का पढ़ा था, उसके क्वेश्चन दिशा में मिल जाएंगे, दिशा 10,000 में। इकोलॉजी लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, क्लास 12th के लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको सब्सटेंशिएट करिए दिशा 10,000 वाली बुक से, पढ़िए क्वेश्चंस लगाइए दोबारा पढ़िए, दैट इज़ हाउ यू कैन रेज योर स्टैंडर्ड। ये तो मैंने आपको बता दिया रिवाइज करने के लिए। उसके बाद है पेपर टू के लिए डेली 1 घंटा उसको दीजिए, मैथमेटिक्स के साथ साथ पेपर टू को भी, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो डेली 1 ऐसे या फिर 1 रिपोर्ट राइटिंग या 1 आर्ग्यूमेंट आपको लिखना है। उसके अलावा सोर्स आपको बता दूँ, न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स, जो भी करंट में चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका का है फॉर एग्जाम्पल, या फिर आर्मी से आ सकता है, मिलिट्री से आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो करंट भी है स्टैटिक भी है। करंट में आपको जो भी न्यूज़ में चल रहा है न्यूज़पेपर में, स्टैटिक में कुछ कुछ टॉपिक्स सदाबहार एवरग्रीन है, वुमेन एम्पावरमेंट, ये एग्रीकल्चर, उसके अलावा मिलिट्री या फिर आर्मी या फिर चेंज इन आर्मी प्रोसेस, जो भी अग्निवीर वगैरह, जो भी आपको लगता है एक अच्छा टॉपिक किसी भी टॉपिक पर लिख लीजिए, और पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट जो भी है, मतलब जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, इसी पर क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे, बिकॉज एवरीथिंग अंडर द सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC, और ये नहीं है कि आपको हर कुछ पढ़ना है। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, न्यूज़पेपर, सिलेबस, इन तीनों को साथ लेके चलिए और एग्जाम निकल जाएगा आपका। कुछ डाउट हो, जेन्युइन डाउट्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।